नवरात्रों के उपलक्ष्य में छोटी काशी के मंदिरों में जगह जगह में जागरण आयोजित किए गए। चैत्र महीने के आठवें नवरात्र के उपलक्ष्य में मंडी के लोअर पंडल में स्थित भद्रकाली माता मंदिर में भव्य कीर्तन आयोजित किया गया। इस भजन कीर्तन में भक्तों ने माता के दरबार में हाजिरी दर्ज करवाई और माँ की महिमा का गुणगान भी किया। नवरात्रों में माँ के दरबार इस कदर सजे नजर आते हैं मानो धरती में ही स्वर्ग है। मंडी के माता भद्रकाली के मंदिर की बात करें तो यह मंदिर अपने आप में ही बड़ा अनूठा है। आठवें नवरात्र पर लोगों ने भद्रकाली माता मंदिर में रात भर भजन कीर्तन किया और माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया। माँ के मंदिर में भक्तों ने हाजिरी भरकर अपने आप को भाग्यशाली बताया और माँ की महिमा का गुणगान भी किया। मंदिर में आए श्रद्धालुओं ने बताया कि हर साल मंदिर में नवरात्रों के उपलक्ष्य में भजन कीर्तन किया जाता है और भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। श्रद्धालुओं ने बताया है कि मंदिर में आम जनता के सहयोग से पूरे भंडारे और कीर्तन का प्रबंध किया जाता है। ऐसा एक्चुअली नवरात्रि चले हुए आपको मालूम है, तो आज अष्टमी है, उसके उपलक्ष्य में हर साल यहाँ पे जगराता रखे हैं माता का। और यहाँ खासकर मंदिर मल्लाव चुबाटा बाजार के जो लोग हैं भी बहुत श्रद्धा इस मंदिर के प्रति। ये बहुत पुराना मंदिर है और कीर्तन करते हैं, उसके बाद यहाँ पे खाना खिलाया जाता है, तो इसी हर नवरात्रे में ये आयोजन किया जाता है। तो चैत्र और जो नवंबर में जो नवरात्र आते हैं दोनों में आप लोग करते हैं? दोनों में करते हैं जी, दोनों में करते हैं। वो तो अक्टूबर में आते हैं, सितंबर अक्टूबर में, एक अभी मार्च अप्रैल में आते हैं जी। तो ये बताइए कि ये जो आयोजन होता है इसमें किस तरीके से जो स्पॉन्सर्स हैं वो कौन होते हैं और ये पूरा आयोजन कैसे करते हैं आप लोग? इसमें कोई स्पेशल स्पॉन्सर नहीं रहते हैं, ये खुद की श्रद्धा होती है। जैसे 10-15 लोगों का ग्रुप रहता है बेसिकली, तो आपस में कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो जितनी श्रद्धा होती है तो एक अपना सा पूरा देखते हैं, मेन्यू डिसाइड करते हैं क्या बनाना, कितना पैसा, फंड्स कितने जमा हुए हैं, और जो कमी रहती है जैसे मंदिर कोई सामान गिलास हैं, कुछ प्लेट्स हैं, कुछ चूल्हा लेना है, तो उसके जितनी एक्सेसरीज रिक्वायरमेंट रहती है बजट के हिसाब से सब कर लेते हैं। आप कहना चाहते हैं कि जो आम जनता है वही इसके स्पॉन्सर? आम जनता स्पॉन्सर है जी। नवरात्र के उपलक्ष्य में दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गे के भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ की पूजा अर्चना करते हैं और 9 दिन तक पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं। नवरात्रों के उपलक्ष्य पर माँ अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और वहीं भक्तों को भी शांति प्राप्त होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी।